बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 10th क्लास मैथ्स के पीके के चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन से वेरिएशन चैप्टर का नाम है वेरिएशन से एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो नंबर 2 है गोल्ड एंड सिल्वर आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 7:4। इफ 36 ग्राम ऑफ सिल्वर इज यूज्ड हाउ मच गोल्ड इज यूज्ड। अगर सिल्वर 36 ग्राम यूज हुई है तो गोल्ड कितना यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे साथ रेशियो कितना है, रेशियो इज इक्वल टू कितना है 7:4। सम ऑफ रेशियो कितना है, सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 7+4 इज इक्वल टू 11। मतलब टोटल अगर 11 हो तो 11 में 7 पार्ट गोल्ड का यूज हुआ है, टोटल मिक्सचर में और 4 पार्ट ये सिल्वर का यूज हुआ है। ठीक है, तो सिल्वर का टोटल 36 ग्राम यूज हुआ है, तो गोल्ड कितना यूज हुआ है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सिल्वर यूज्ड का फॉर्मूला है, अगर टोटल 11 हो तो 11 में कितना यूज हुआ है 4, तो टोटल मिक्सचर कितना होगा, टोटल मिक्सचर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, मतलब 11 में 4 है तो टोटल मिक्सचर कितना होगा। सिल्वर यूज कितना है 36 ग्राम है, इज इक्वल टू 4/11 मल्टीप्लाई बाय टोटल मिक्सचर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो टोटल इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइड बाय 4, 4 वन जार 4, 4 नाइन जार 36, विच इज इक्वल टू 11 नाइन जार 99 ग्राम। तो टोटल मिक्सचर कितना है 99 ग्राम है। सिल्वर और गोल्ड का मजमुआ टोटल हमारे साथ है सिल्वर प्लस गोल्ड, क्योंकि इन दोनों को हमने मिक्स किया है, तो टोटल हमने मालूम किया कितना है 99 ग्राम है और सिल्वर कितना है 36 है, तो गोल्ड मालूम कर ले। सो गोल्ड इज इक्वल टू 99 - 36 9 है। सो गोल्ड इज इक्वल टू 9 - 63 आता है, 9 - 3 63 ग्राम। तो हाउ मच गोल्ड इज यूज्ड, सो 63 ग्राम गोल्ड इज यूज्ड, इतना गोल्ड इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।